अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी को लेकर। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है यानी कि नेगेटिव एनर्जी का, ऐसे में हम आपको ज्योतिष शास्त्रों में सुझाए गए उपायों के बारे में बताएंगे जिसको अपनाने से आपका घर और आपके जीवन में खुशियों से भर जाएगा। साथ ही जानेंगे आपकी राशियों को लेकर, क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं क्या है आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। पांच फरवरी 2021 का दिन है, दिन शुक्रवार है। आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार है, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, माघ मास चल रहा है, आज कृष्ण की अष्टमी तिथि है, आज का करण कौलव है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुकाल सुबह प्रातःकाल 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में राहुकाल रहेगा। आज का योग वृद्धि योग है। और आज की जो ग्रह स्थितियां हैं उनके बारे में भी मैं हमारे जितने भी दर्शक सुन पा रहे हैं उनको मैं जानकारी देता हूं। आज सूर्य मकर राशि में रहेंगे, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, परंतु दोपहर के बाद वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। तदुपरांत मंगल मेष राशि में घूम रहे हैं। बुध इस समय वक्रीय गति से मकर राशि में गोचररत है, गुरु मकर राशि में है, शुक्र मकर राशि में है और शनिदेव भी मकर राशि में अपने स्वयं की राशि में है। राहु क्रमशः वृषभ राशि में रहेगा और केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करता रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, ये था आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को लेकर और इस बीच अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ हम जानते हैं सबसे पहले कि ज्योतिष के अनुसार समझते हैं नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव होते क्या हैं, हम कैसे महसूस करें कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे महसूस करते हैं कर सकते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, घर में सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। कैसे महसूस होगी कि आपके मन लगातार विचलित होता रहेगा, मन लगातार परेशानियों से ग्रस्त रहेगा। आप सोचते रहेंगे कि आखिरकार मैं इतना अच्छा करने की कोशिश करता हूं फिर भी मैं लगातार परेशान हूं। तो ये हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत, जैसा आपने अमूमन भगवान की तस्वीर को देखा होगा तो उनके पीछे एक बड़ा सा ऑरा होता है, गोल गोल सा चक्र उनके पीछे दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य के पीछे एक गोल चक्र जिसको हम ऑरा कहते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा का प्रतीक होता है, हमेशा होता है। हालांकि इसको हम अपने जो आंखें हैं उनसे बहुत आसानी से नहीं देख सकते, परंतु आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कैमरास आए हुए हैं जो कि आपके पीछे के ऑरा को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। वो ये बतलाते हैं कि आपके जीवन में किन ग्रहों के कारण आपको परेशानी है, यानी किन ग्रहों के कारण आपको नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कई बार हम अपने कार्य क्षेत्र की तरफ निकलते हैं, बहुत उत्साह से अपने कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम कार्यस्थल पर प्रवेश करते हैं कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे से जुड़ती है जिसके चलते हमारा मन एकदम खिन्न हो जाता है, हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हम क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें। कई बार हमारा जो सहयोगी है उसमें नकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। आप तो बहुत सकारात्मक दृष्टि से अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके कार्यों को सकारात्मक रूप में करने नहीं दे रही है। इसके अलावा आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं, आप कई बार जिस डेस्क, जिस टेबल या जिस कक्ष में बैठकर आप काम करते हैं वहां पर आपका काम में मन नहीं लगता, अचानक चिड़चिड़ाहट होती है, मन परेशान सा हो जाता है, बेचैनी
आपके मन में लगातार बढ़ती रहती है। उसके चलते परेशानियां आपको क्या होती हैं, आप लोगों से नाराज हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, धन को लेकर चिंता लगातार बढ़ती रहती है। देखिए धन के क्षेत्र में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। कैसे? जहां पर आप धन रखते हैं अर्थात आप अपना पैसा रखते हैं, वहां आप जितना भी पैसा रखते हैं वो दूसरे दिन ही समाप्त हो जाता है। उसके पीछे का कारण भी निगेटिव एनर्जी है। तो आप देखिए कि निगेटिव एनर्जी कितनी हमारे आसपास होती है और नकारात्मकता हमारे चारों ओर किस कदर फैली होती है, ये केवल और केवल हम ही पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार हमको पता नहीं चलता, हम लगातार कई वर्षों बरस उससे जूझते रहते हैं, परेशान बने रहते हैं। एक और मैं उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, देखिए वैवाहिक जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप आपका विवाह हो गया है, आप परेशान हैं, कई बार पति या पत्नी दोनों में से कोई ना कोई किसी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में अवश्य आता है। और उस नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ता चला जाता है, बहुत हद तक दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, कई बार सेपरेशन जैसी परिस्थितियां भी हमारे सम्मुख आ जाती हैं। एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी वैलेंटाइन वीक आने वाला है जी, आने वाले अगले हफ्तों से शुरू होने वाला है, तो लोग अपने प्रेम संबंधों को लेकर लगातार वो चिंतित बने रहते हैं, परेशान से बने रहते हैं कि भाई आखिरकार मेरा प्रेम सहयोगी किस प्रकार से होगा। अब प्रेम संबंधों में आगे बढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। उस अविश्वास का परिणाम ये होता है कि कई बार आप एक दूसरे का मोबाइल चेक करेंगे, दूसरे का व्हाट्सएप चेक करेंगे, आप आपस में ही बिना किसी बात के द्वंद जैसी परिस्थितियां हमारे सम्मुख आती हैं। तो देखिए नकारात्मक ऊर्जा आखिरकार हमको किस हद तक प्रभावित करती है। कई बार माता पिता, संतान, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, इन सभी से कहीं ना कहीं एक ऐसे संबंध बन जाते हैं कि वो हमको अलग दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं, और यदि आपने इन संकेतों को भली भांति समझ लिया है तो बहुत बेहतर है। और आप चाहें तो हमारे जो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर्स हैं, आप उस पर अपनी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से भी आप नकारात्मक ऊर्जा के बारे में हमारे द्वारा जान सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, दर्शक का नाम है रिद्धि। रिद्धि बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। थैंक यू सो मच। आप अपना प्रश्न पंडित अरविंद तिवारी जी से पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं रिद्धि बोल रही हूँ। जी नमस्कार रिद्धि जी। प्रश्न है कि आजकल मेरा समय पता नहीं अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जो भी काम करने जाती हूँ उसमें मुझे असफलता हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? रिद्धि जी यदि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता सके तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय यदि आप बता पाए रिद्धि जी। हेलो, आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म स्थान बता दे, और टीवी के वॉल्यूम को यदि आप म्यूट करके बताएंगी तो मुझे आसानी होगी आपको बताने। पंडित जी मेरी जन्म तारीख है 2 जुलाई 1999 और मेरा जन्म स्थान है सागर। 2 जुलाई 1999 जन्म स्थान सागर। जन्म का समय और एक बार दोहरा दे। लगभग सुबह 6:30 बजे। लगभग सुबह 6:30 बजे। चलिए मैं रिद्धि जी आपके आपके बारे में बतला देता हूँ। टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है, मिथुन लग्न और मकर राशि की आपकी कुंडली है, और देखिए लग्नेश बुध वर्तमान में वक्री होकर चल रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें, आने वाले दिन खासतौर से ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने जा रहा है। वर्तमान में आपके ऊपर विंशोत्तरी दशा जो है वो राहु की महादशा है और शुक्र का प्रत्यंतर है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है और आपकी मूल कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है, तो आप निसंदेह मान के चलिए कि आपके जीवन में सारी चीजें ठीक होंगी। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बतलाना चाहूंगा, लगभग 20 रत्ती का एक मोती रत्न यदि आप अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगी तो निसंदेह आपको आपके जीवन में सकारात्मकता प्राप्त होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा,
और धन से जुड़ी हुई परेशानी भी आपके जीवन में अवश्य दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धि हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, हम लगातार अपनी चर्चा जारी रखते हैं। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि बिना वजह ही हम उदास हो जाते हैं, खोए खोए से रहते हैं या बेचैन से रहते हैं, गुस्सा भी आ जाता है और चिड़चिड़ापन भी होता है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, आपने बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ा और गुस्से की बात की, तो ये अमूमन हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह की नकारात्मकता के कारण होता है। देखिए, ग्रह भी नेगेटिविटी देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में लगने से 12वें भाव में बैठा हो, 4थे भाव में बैठा हो, 6ठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, या आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो यानी वृश्चिक राशि का हो, तो आप देखेंगे ऐसे जातक अमूमन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट से भरे होते हैं। उनको बहुत तेजी से अनावश्यक गुस्सा आ जाता है। वो कई बार लोगों की बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं, परेशानियों से हमेशा दो चार होते रहते हैं जीवन में, उनका बजट हमेशा गड़बड़ाता रहता है, खर्च को लेकर परेशान होते हैं, लोग उनके ऊपर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो ऐसे जातकों को नकारात्मकता दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? एक मोती रत्न धारण करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई एक पड़ाव ऐसा होता ही है, और एक ऐसा पड़ाव आता है जब बहुत नेगेटिव फील करते हैं, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाना है, तो हम आपके माध्यम से दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है, कि हमें डेस्टिनेशन हमारी कुछ है जहाँ पर हमारी मंजिल तक हमें पहुँचना है, तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, कई तरह की बाधाएं आती हैं और अचानक ही आती हैं, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ती है, लेकिन लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाने के कारण उनमें परेशानी और चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को सही प्रकार से, सही दिशा से, सही योजना से अंजाम नहीं दिया है, जिसके चलते वो लगातार परेशानियों का अनुभव करते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस माध्यम के लिए आपको आपकी जन्म कुंडली यानी आपका जो ज्योतिषीय आकलन है वही आपको सही दिशा प्रदान कर सकता है, और उसके लिए आप चाहें तो हमारे इस चैनल और हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय आप हमको भेजिए, हमारे जो टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमसे पता लगा सकते हैं कि आखिर आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या था, आपका गोल क्या है, किस प्रकार आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं छोटी सी चीज हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। देखिए, अमूमन हमारे जो लक्ष्य की प्राप्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। जैसा हम जानते हैं, यदि हमारा मन स्थिर नहीं है, मन में अस्थिरता लगातार बनी हुई है, हम लगातार परेशान बने हुए हैं, तो हमारी परेशानी को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा की होती है। जैसा हमारे ग्रंथों में कहा जाता है, चंद्रमा मनसो जायते, माने चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपने अपने मन को स्थिर कर लिया तो आप ईश्वर तक भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आपने अपने जीवन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि आखिरकार कब, कहां, किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं, तो आप उसके लिए अपनी कुंडली में चंद्रमा ग्रह को मजबूत बना लीजिए। यदि आप मोती रत्न पहनना नहीं चाहते हैं, रत्नों के अलावा आप उपाय चाहते हैं, तो एक बहुत सुंदर सा धार्मिक उपाय मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बतला देता हूं। देखिए, भगवान शिव, आप जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो यदि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करते हैं तो उससे भी आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करें? आप भगवान शिव का बहुत सुंदर सा अभिषेक कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत साधारण सी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आप एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध मिला लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए। ये बहुत आसानी से आपके घर में उपलब्ध है, और घर से बाहर निकलकर आप किसी मंदिर में अवश्य जाए, और मंदिर में जाने के बाद आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप बूंद बूंद करके इस लोटे के जल को धीमे धीमे करके गिराइए, और एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मेव बंधनान
मृत्युर्मुक्षीय मामृता। और यदि आप इस मंत्र का उच्चारण ना कर पाए तो भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। तो आप इस मंत्र का जप करके भी इस दूध को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अभिषेक के रूप में ले और तदुपरांत आप अपने घर लौटे। मुझे लगता है कि आपके जीवन में आपके मन में जो नकारात्मकता है उससे आपको निजात अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, हम इस विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक अपनी राशि को लेकर भी जानना चाहते हैं, तो बात करते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले मेष राशि को लेकर। तो आज मेष राशि की जो कुंडली है वो इस प्रकार से है, देखिए चंद्रमा का गोचर आज दोपहर तक तुला राशि में रहेगा, जो आपकी कुंडली से समसप्तम भाव में है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं आज दोपहर तक आप अवश्य कर लें, क्योंकि ग्रह आपको दोपहर तक अवश्य मदद कर रहे हैं। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही सुंदर और शानदार दिन बना हुआ है। तो प्रेम आपका जो सहयोगी है उससे आप उसको आप मनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कामकाज को लेकर जो बनी चिंता है वो भी आज अवश्य दूर होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है, चंद्रमा और शुक्र दोनों आपकी मदद करें, जिसके चलते आपके कामकाज बहुत आसानी से पूरे होंगे, कामकाज सफलता से भरे होंगे, प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा, आपको अचानक धन लाभ की भी स्थिति बन सकती है। तो आप अपने इस समय का भरपूर तरीके से लाभ अवश्य उठाइए। अगली राशि की हम बात करते हैं, तो देखिए अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों की जो ग्रह स्थिति है वो थोड़ी अलग अलग रहेगी। सुबह हो सकता है आपका मन विचलित हो जाए, लोग आपकी मदद ना करें, लेकिन दोपहर होते होते जैसे ही चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में आगे बढ़ेगा, आपके विरोधी कमजोर होंगे, कामकाज में तेजी रहेगी और मन आपका बहुत तेजी से प्रसन्न होगा। और इसके साथ बात कर लेते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए कर्क राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो आपका राशि स्वामी आज दोपहर बाद आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। सुबह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा, जिसके चलते आपको धैर्य पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, अपने आप को शांत रखें, लेकिन दोपहर बाद यदि आप योजना बनाकर काम करेंगे तो निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, तो अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का जो ग्रह चक्र है वो दोपहर तक बहुत मजबूत बना हुआ है। तो मैं सिंह राशि वाले जातकों को यही सलाह दूंगा कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आज दोपहर तक आप अवश्य संपन्न कर ले, अनुकूलता बनी रहेगी और प्रेम सहयोगी को आज दोपहर से पहले ही आप मना लेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है कन्या राशि। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बहुत बढ़िया बना हुआ है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की अनुकूलता लगातार बढ़ी रहेगी, तो इस अच्छे समय का भरपूर तरीके से आप लाभ उठा लीजिए। और आज प्रेम संबंधों के लिए दिन भी बहुत अनुकूल है, वैवाहिक जीवन भी आज आपका बहुत सुखद रहने जा रहा है। बिल्कुल पंडित जी, और इसी के साथ जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य है, क्योंकि चंद्रमा आज पूरे दिन भर आपकी मदद करेगा, खासतौर से दोपहर तक तो जरूर मदद करेगा, क्योंकि दोपहर बाद वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। इसलिए यही आपको सलाह है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप दोपहर से पहले संपन्न कर लेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो पिछले 2-3 दिनों से परेशान थे तो उनकी परेशानी आज दोपहर के बाद से समाप्त हो रही है, दोपहर के बाद से समय बेहतर होगा, सुबह थोड़ा ध्यान से काम करें तो मुझे लगता है कि आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है धनु राशि। तो देखिए धनु राशि वाले जातकों का जो समय है आज पूरे दिन भर शानदार रहेगा, अपने जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न कर ले, क्योंकि आने वाले 2 दिन आपके लिए थोड़े कष्टकारी रहेंगे, तो योजना बनाकर काम करें, निसंदेह लाभ होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है मकर राशि। तो देखिए मकर राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है, चंद्रमा का गोचर अब आपके राशि से भाग्य स्थान से कामकाज की ओर बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी शेयर
या अन्य जमीन से जुड़े हुए कामकाजों में आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, कामकाज में गति की स्थिति अवश्य बनेगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय दोपहर के बाद और तेजी से आपके पक्ष में आएगा। सुबह आपको यही सलाह दूंगा कि जितने जरूरी काम है आज ना करें, दोपहर बाद ही संपन्न करें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही राहत भरे साबित होने वाले और प्रेम संबंधों के लिए आज शाम का समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। अंतिम राशि की हम बात कर लेते हैं, अंतिम राशि है मीन राशि। तो आज मीन राशि वाले जातकों का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय की प्रतिकूलता के चलते परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। यदि आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो आज कोशिश करें, ना ही मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, और अब आपकी रसोई की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा है रसोई में जो नेगेटिव एनर्जी को कम करने में बहुत असरदार है, तो क्या है वो और कैसे असरदार होता है? और इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि अगर शरीर में, घर में या हमारे अपनों में पॉजिटिव एनर्जी के जगह नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा हो तो इससे निजात पाने के क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, रसोई घर में आपको नकारात्मकता दूर करनी है तो नमक से बड़ा नकारात्मकता दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आप अपने रसोई घर में खास तौर से नमक, जो खड़ा नमक होता है, उसको आप थोड़ा सा घोल लीजिए और उसका पोंछा आप यदि अपने रसोई घर में लगाएंगे तो नकारात्मकता दूर होगी। और यदि आपके शरीर या अन्य जगह आपको नकारात्मकता महसूस होती है तो उसका भी एक बहुत सुंदर सा उपाय है। देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन काल में उबटन लगाया जाता था। उबटन लगाने से हमारे शरीर के दोष दूर होते थे। तो आपको मैं एक छोटा सा उबटन बता देता हूँ, आप उसको लगाएंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। तो क्या करें, आप थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़े काले तेल आप मिला लीजिए, और जब भी आप स्नान करें तो उससे पहले आप अपने शरीर पर इस उबटन को लगा लेंगे, और इस उबटन के लगाने के बाद जब आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर और आपके मन से हर प्रकार की नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाएगी। और यदि आप मोती रत्न धारण करेंगे तो हर प्रकार की नकारात्मकता से आप अपने आप को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, नेगेटिव एनर्जी किसी भी इंसान को डिप्रेशन तक ले जा सकती है। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना आपके आज और आने वाले कल के लिए बेहद जरूरी है, वरना ये खतरनाक और घातक साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है पंडित अरविंद तिवारी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अपने ग्रह नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।